नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोहलर का सिद्धांत और साथ ही हम इसके साथ जो है मॉक क्वेश्चन भी रखेंगे, है ना। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। कोहलर का सिद्धांत, तो कोहलर का सिद्धांत जो था, इस सिद्धांत को गैस्टाल्टवाद जो सिद्धांत है उसको कहते हैं, ठीक है। ये जो कोहलर का सिद्धांत था इसका नाम था गैस्टाल्ट सिद्धांत, ठीक है। इसका जो प्रतिपादन किया था वो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे वर्दिमर, कोफा और कोहलर, तीन लोग थे इन्होंने किया था। लेकिन जो इसको मतलब जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कोहलर ने। इन दोनों ने क्या की थी, इनकी मदद की थी। इसको जो सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहा जाता था या कहा जाता है। दोस्तों सन 1920 ईस्वी में जर्मनी में गैस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। संप्रदाय से संबंधित तीन व्यक्ति थे, देखिए मैक्स वर्दिमर ये जो थे इसके प्रवर्तक थे, ओके। कोहलर जो इन्होंने प्रयोग किया था और कोफा सहयोग करता थे। प्रवर्तक की बात पूछी जाएगी तो आपका नाम आपका आंसर आ जाएगा मैक्स वर्दिमर, और कोहलर ने तो प्रयोग किया ही था और कोफा जो थे इसके सहयोग करता थे। चलिए अब देखिए, ये जो तीनों जो थे गैस्टाल्टवादी कहलाए। अगर आपसे देखिए ऐसा भी पूछ सकता है कि गैस्टाल्टवादी बताइए निम्न में से, तो आपको जो तीनों में से एक ऑप्शन दे देगा और आपको बताना है कि भाई गैस्टाल्टवादी ये थे। ये आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए कि इनमें से गैस्टाल्टवादी कौन नहीं है, ठीक है। ये तीनों गैस्टाल्टवादी कहलाए तथा इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह सिद्धांत जो था वो गैस्टाल्ट सिद्धांत कहलाया, ओके। आगे चलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम कुछ कार्यों को करके सीखते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, जितने कार्य हम करेंगे उसको हम करके सीखेंगे। कुछ को दूसरों को देखकर सीखते हैं, ये भी बात सही है, जबकि कुछ को अपने आप ही सीख जाते हैं। इस प्रकार सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहा जाता है। इसका अर्थ है कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने एक तीन पॉइंट आ रहे हैं। एक टाइम ये है कि भाई जो है हम काम सीखते हैं वो दो कुछ जो काम सीखते हैं वो करके सीखते हैं। एक टाइप के काम वो आते हैं जो हम दूसरों को करके सीखते हैं, लेकिन एक काम वो हैं जो हम खुद ब खुद अपने आप कर देते हैं, ठीक है। और इनके अनुसार क्या है कि सूझ जो है वास्तविक स्थिति का आकस्मिक यानी कि तुरंत निश्चित और तत्कालिक ज्ञान है। चलिए, इस सिद्धांत को गैस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक ताकत से समझ लेता है और उसे अच्छी तरह से करना सीख लेता है। वह ऐसा अपनी सूझ के कारण करता है। अब इसके सिद्धांत के जो नाम हैं, अन्य नाम क्या क्या हैं, इस नाम को देख लेते हैं। आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अन्य नाम जो हैं इनको हम बोलते हैं समग्रकार सिद्धांत, ठीक है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं, गैस्टाल्ट सिद्धांत भी बोलते हैं और कोहलर का सिद्धांत, ये नाम दिए गए हैं। अगर हम प्रयोग की बात करें तो कोहलर ने दोस्तों एक भूखे चिंपैंजी को एक कमरे में बंद किया। कमरे की छत में कुछ केले इस प्रकार टांग दिए कि चिंपैंजी की पहुंच बाहर थे, मतलब बाहर थी वो, जैसे कि उसने कमरा था ये या पिंजरा कह सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने केले टांग दिए तो जो चिंपैंजी था उसकी पहुंच से ये केले दूर थे, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे डिब्बे भी रख दिए कि उनके ऊपर चढ़कर वो प्राप्त कर सके, ओके। फर्श पर चिंपैंजी ने उछलकर केले लेने का प्रयास किया पर सफल नहीं हुआ। कुछ समय पश्चात फर्श पर रखे खाली बक्सों को देखकर उनको केले के नीचे खींचकर उस पर चढ़ गया और केले प्राप्त कर लिए। यह उसकी सूझ ही थी जिसने मतलब उसको जो है अपने लक्ष्य तक प्राप्त हुआ। देखिए सूझ के सिद्धांत के जो महत्व हैं, है ना, सूझ के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है। देखिए ये जो सिद्धांत है गणित विषय के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यह सिद्धांत जो है अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत ही महत्व रखता है। ये सिद्धांत जो है अधिगमकर्ता को स्वयं खोज करके सीखने के लिए प्रोत्साहित कर देता है और ये सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत साहित्य, कला और संगीत के लिए बहुत उपयोगी है और बड़े बालकों के लिए उपयोगी जिनका मानसिक विकास अच्छे से हो चुका है, इनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ओके। और ये जो सिद्धांत है वो जो है ना रटना और आदत बनकर सीखने का विरोध करता है, यानी कि हमें जो है रटना नहीं है। जैसे कि NCF ने भी बताया कि NCF 2005 जो है उसमें भी उल्लेख है कि भाई हमें रटना नहीं है, बच्चों को कोई भी चीज़ नहीं रटानी है, सिर्फ समझाकर बात करनी है, ठीक है। समस्या समाधान द्वारा सीखना इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत अधिगमकर्ता में कल्पना बुद्धि और तर्क का विकास करता है। बालकों के सामने वस्तु प्रस्तुत करने पर वे आवश्यक संबंधों का प्रत्यक्षीकरण सीख लेते हैं, है ना। दोस्तों जो बच्चों के सामने हम चीज़ों को दिखाकर बोलेंगे कि भाई ये जो है
क्या है ये, जो दोस्तों फैन है, उससे बोलेंगे बच्चे से कि ये फैन है, तो भाई देखकर उसको बताएगा ना कि भी फैन है, क्योंकि भी उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से हमने उसको दिखाया है। ओके, सूर्य सिद्धांत के जो अधिगम के नियम हैं, देखिए समीपता का नियम, समापन का नियम, समानता का नियम और निरंतरता का नियम, ठीक है। अब सूर्य सिद्धांत के गुण की बात कर लेते हैं हम, सूर्य के सिद्धांत के गुण क्या क्या हैं। दोस्तों इसके गुण की बात करें तो यह सिद्धांत जो है रचनात्मक कार्य के सीखने में कुछ विशेष उपयोगी होता है, और यह सिद्धांत जो है व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में उपयोगी सिद्ध होता है। वन मानुष की भांति बालक और वयस्क भी इस सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि भाई हमारे सामने एक समस्या ऐसी आ जाती है कि हमें जो है तुर्क बुद्धि से काम लेना होता है ना, जो हमारे माइंड में उस समय आ गया तुरंत, वही दोस्तों क्या होता है, तात्कालिक बुद्धि होती है। विशेषताओं की बात कर लेते हैं सिद्धांत के, तो सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है, सीखना धीरे धीरे न होकर अचानक होता है, सीखने की प्रक्रिया में व्यापक सूझ अचानक आती है, और सूझ के लिए समस्यापरक परिस्थिति का होना आवश्यक है। दोस्तों सूझ के लिए देखिए समस्या का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर सूझ आएगी है ना, या कोई समस्या हमारे सामने नहीं है, तो हम क्यों भी उसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे ना, जब तक हमारे पास समस्या नहीं है। तो गाय देखिए मोक के लिए नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा आप, क्योंकि भाई मोक के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, ये वीडियो जो 7 मिनट की हो चुकी है, ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, कोहलर के सिद्धांत से संबंधित MCQs। ओके दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, धन्यवाद गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।